जिज्ञासो मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा के अंतर्गत तेज बिंदु उपनिषद पर व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं तेज बिंदु उपनिषद आत्मा की स्थिति का वर्णन करता है ब्रह्म की स्थिति क्या है ब्रह्म की स्थिति को समझाने का एक प्रयास किया गया है क्योंकि प्रयास ही किया जा सकता है क्योंकि वह आत्मा जो कि बुद्धि से परे वाणी से परे है वह अपरोक्ष अनुभूति का विषय है परोक्ष का नहीं लेकिन शास्त्रों से वेदों से ग्रंथों से जो ज्ञान हमें मिलता है जो जानकारी हमें मिलती है वह सब परोक्ष है अपरोक्ष नहीं इसीलिए माध्यम मात्र ही है आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है इसकी वास्तविक स्थिति क्या है इसका यथार्थ क्या है वह तो आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही संभव है आत्मज्ञान को प्राप्त कर कर ही संभव है या आत्म स्थित होकर ही संभव है योग के माध्यम से उस आत्मा में स्थित होकर ही यह संभव है कि हम जान पाए कि आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है वैसे तो सिर्फ हम एक अध्ययन करकर हम उस पर विचार कर सकते हैं उसका चिंतन कर सकते हैं चिंतन का भी महत्व है चिंतन से विचारों की पवित्रता तो अवश्य होती है लेकिन फिर भी चिंतन से आत्मस्थिति नहीं बनेगी चिंतन से मोक्ष नहीं होगा चिंतन से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा चिंतन के परे जाकर होगा लेकिन उसका माध्यम योग है साधन योग है योग से ही यह संभव है तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब उन्होंने आत्मा का वर्णन किया उस परम सत्ता का वर्णन किया तो वर्णन करते हुए वो वर्णन तो कर रहे हैं देखिए यह कितनी स्पष्ट वादिता है कितनी ईमानदारी है कितनी इसमें इस स्पष्टवादिता दिखाई देती है और निष्ठा दिखाई देती है ऋषि मुनियों ने प्रेरणा देने के लिए उस आत्मा के बारे में ब्रह्म के बारे में लिखा बताया क्योंकि उन्होंने स्वयं अनुभव किया तब बताया जिस प्रकार से कोई मिठाई खा ले और मिठाई का स्वाद बताए तो उसके मिठाई का स्वाद बताने से आपको तो स्वाद नहीं आएगा आपको तो मिठाई खाने से ही स्वाद आएगा वैसे ही वह आत्मा ना तो वाणी से ना बुद्धि से वह तो युग के माध्यम से जाना जाएगा ना वाणी बुद्धि से जाना जाएगा और ऋषि मुनियों ने अपनी इन बातों को समझाते हुए अपनी इन बातों को कहते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता यद्यपि प्रेरणा देने के लिए वर्णन किया जा रहा है ताकि मनुष्य अग्रसर हो और मनुष्य के दुखों का विनाश हो उसके सारे दुख नष्ट हो जाएं इस उद्देश्य से उसे अवश्य ही मार्ग दिया जा रहा है उसे प्रेरणा दी जा रही है आत्मा के विषय में बताकर लेकिन जो बताया जा रहा है उसे पूर्ण नहीं समझ लेना चाहिए पूर्ण अनुभव से आएगा इसलिए शास्त्र वाक्य उसका प्रयोगात्मक पक्ष भी होता है शास्त्र में ये लिखा है शास्त्र में वो लिखा है लिखा है मार्गदर्शन के लिए लिखा है लेकिन वास्तव में उस आत्मा को जानना है उस आत्मा को हमें समझना है तो हमें तो जिस मार्ग से वो जाना जाता है उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए और ऋषि मुनियों ने वो मार्ग दिया है वो पथ दिया है महायनो येन गता स पंथा था यक्ष का प्रश्न था कौन सा मार्ग है किसका किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था तर्को प्रतिष्ठा श्रिय तो विभिन्ना नेको ऋष वचह प्रमाण धर्मस्थित गुहे महायनो ये नंथा महाभारत का ये श्लोक है तर्कों से परे तर्को प्रतिष्ठा श्रिय विभिन्न श्रुतियों ने बताया है विभिन्न तरीके से बताया है श्रुतियों विभिन्न नेको ऋषिय वच प्रमाणम ऋषियों के वचन प्रमाण है इस विषय में महायनो येन गता सहपंथा जो उन्होंने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर लेकिन उस मार्ग को इतना बिगाड़ कर प्रस्तुत कर दिया जाता है कभी कभी कई बार उसे अत्यधिक कठिन बना दिया जाता है तो कई बार उसे जैसे कि आम मनुष्य को तो लगे कि वो कभी चल ही ना पाएगा उस मार्ग पर कुछ लोगों ने उस मार्ग की कुछ ऐसी व्याख्या भी कर दी लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की ईमानदारी थी उनकी निष्ठा थी उनकी स्पष्ट वादिता थी कि उन्होंने स्पष्टता से सारी बात को रखा और समझाया मनुष्य अपनी ही आदर्श बना लेता है अपनी ही धारणाएं बना लेता है कई बार परिस्थितियां कुछ और होती हैं यह प्रकृति कुछ और ही ढंग से काम कर रही होती है यथार्थ समझाने का प्रयास किया गया है लेकिन जब तक जीवन में प्रयोगात्मक पक्ष नहीं होगा तब तक यथार्थ प्रकट नहीं होगा जब तक मिठाई खाओगे नहीं तो मिठाई का स्वाद भी नहीं मिलेगा सिर्फ मिठाई के बारे में सुनने से मिठाई की चर्चा सुनने मात्र से तो नहीं हो जाएगा ना इसीलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता वही बात आगे कही जा रही है बिंदु उपनिषद में मुनि नाम संप्रयुक्तम च न देवा ना परमम विदु लोभम मोहम भयम दर्पम कामम क्रोधम च किलबिषम मुनि भी उसका वर्णन नहीं कर पाते ना देव वर्णन कर पाते हैं ना अन्य उसको जान पाते हैं लोभ मोह भय दर्प काम क्रोध व पाप ये कोई उसमें नहीं है उस ब्रह्म में नहीं है और मुनि भी उसका वर्णन कर पाए क्योंकि वर्णन जब भी होती है जीवा से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे तुम भगवान को अपने मुंह से बोल नहीं सकते क्योंकि वो झूठा हो जाएगा और जो झूठा हो गया वो भगवान कहां वह ईश्वर कहां इस प्रकार से भी वो कहा करते थे कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें अंतर्मुखी ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए आगे कहते हैं तेजोबिंदु उपनिषद में उसमें न शीत है न उष्णता है शीतोष्ण छुत पिपासे च संकल्प कवि कल्पकम उसमें न शीत है न उष्णता है उसमें ना क्षुदा है ना उसमें प्यास है उसको भूख नहीं लगती उसे प्यास नहीं लगती उसमें गर्मी भी नहीं है उसमें ठंड भी नहीं है जो उस आत्मा में स्थित हो गया वह इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है यह तो इंद्रियों का विषय है ना शीत होना उष्णता होना क्षुदा होना प्यास होना वह संकल्प विकल्प से भी रहित है वह मुक्ति ग्रंथ का समूह भी नहीं ब्रह्म कुल के दर्प से रहित वह भय सुख दुख मान अपमान सबसे परे न भयम न सुखम दुखम तथा मानावमान एत भाव विनुर्मुक्तम तद ग्राह्यम ब्रह्म तत्परम वह भय सुख दुख मान अपमान सबसे परे है सत्ता का भाव भी उसमें नहीं रहता वह सबके द्वारा ग्राह्य परम ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म स्वरूप है स्वरूप शब्द जोड़ दिया जाता है क्योंकि स्वरूप से ही तो सब कुछ सारा रहस्य तो इस स्वरूप में ही समाया हुआ है स्वरूप में ही समाया हुआ है लेकिन स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो कैसे जीव स्वरूप में स्थित हो जाए क्या कर्तव्यों से भाग कर स्वरूप में स्थित होगा या कर्मों से इसीलिए तो बार बार एक बात आ जाती है योग सूत्र या सांख्य दर्शन बार बार इस पर जोर देता है कि प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को समझो क्योंकि सारा प्रकृति सारा बंधन तो प्रकृति ने देख रखा है और तुम कहते हो हम प्रकृति से ही भाग जाएंगे कहां से भाग पाओगे उसकी सीमा से बाहर कोई जा ही नहीं सकता संभव ही नहीं है हाँ डर सकता है डरपोक बन सकता है आदमी लेकिन रहेगा उसी के बंधन में इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कबीर की वाणियों में या उपनिषदों में भी ये बातें लिखी गई हैं कि योग का जो मार्ग है वो वीरता का मार्ग है साहस का मार्ग है लेकिन कुछ लोग कई बार बहुत दूसरे ढंग से समझते हैं योग और भक्ति को वो पलायन समझ लेते हैं मूर्खता और भक्ति दोनों को प्रायवाची मान लेते हैं कुछ लोग जिसको संसार में बहुत कुछ नहीं करना है वो चलो योग कर लेता है फिर तो वही बात होगी ना नारी मुई घर संपत्ति नासी मुंड मुड़ाए भय सन्यासी लेकिन योगी वो जो साहसी है जो मान अपमान से ऊपर उठ सकता है इसलिए जब हम महाभारत में ऋषि आयु की कथा उपमन्यु की कथा गुरु शिष्य परंपरा की कहानियों को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी कथाएं मिलती है जहां पर शिष्यों को अनेक परीक्षाओं से गुजारा जाता था कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता था मानसिक रूप से विशेष रूप से मानसिक परिस्थितियों से मरने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाता है कई बार कोई भी तो नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ तैयार हो जाते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट सहा नहीं जाता लोगों से अपमान सहना बड़ा कठिन होता है लेकिन गुरु शिष्यों को उस रास्ते से भी निकालते हैं क्योंकि वो अनेकों बंधन को अनेकों बाउंडेशन जो नहीं समझा उसके साथ समस्या है जो समझ गया उसके साथ कोई समस्या नहीं जो नहीं समझा वो प्रकृति के बंधन में बहुत कुछ लगा रहता है प्रकृति के बंधन में ही बंधा रहता है और कई बार वो योग के मार्ग को जो ना समझना चाहिए वो समझ लेता है तो फिर गलतियां ही उन्ही, उन्हीं बंधन में और बंधता जाता है मुक्त होने के बजाय इसीलिए योग का मार्ग ये जो बिंदु उपनिषद में योग का मार्ग दिया जाता है और यहां पर पंद्रह अंगों का योग बताया जाता है पंद्रह अंगों का योग यमो ही निमस्त्यागो मौनम देश आसनम मूलबंध देह साम्यम स्थिति प्राण संयम च प्रत्याहार्य धारणा आत्मध्यानम समाधिश्च, प्रोक्ता अंगा नि वय क्रत यम नियम त्याग मौन देशकाल, आसन मूलबंध साम्य, स्थिति विवेक अथवा विवेक की साधना प्राणायाम या प्राणसंयम प्राणायाम नहीं शब्द का प्रयोग हुआ संयम, प्रत्याहार धारणा आत्मध्यान चौदहवा अंग बताया गया है आत्मध्यान ध्यान नहीं लिखा गया आत्मध्यान क्योंकि आजकल लोग ध्यान का बहुत सारा अर्थ समझ लेते हैं इधर ध्यान लगाओ उधर ध्यान लगाओ नहीं स्वरूप में ध्यान को स्थित करो संपूर्ण वृत्तियों को शांत करकर कर, निरोध कर कर स्वरूप में स्थित हो जाओ इसीलिए यहां पर उपनिषद में आत्मध्यान शब्द का प्रयोग आत्मध्यानम प्राण चैव प्रत्याहारस्य धारणा आत्मध्यानम समाधि अंगानी वै प्रत्याहार धारणा आत्मध्यान समाधि अंत में समाधि ये युग के पंद्रह अंग कहे गए हैं तेजबिंदु उपनिषद में अब एक एक की व्याख्या मिलती है यम क्या है नियम क्या है तो कुछ हम यम नियम के बारे में सुनेंगे किस तरह से सर्व ब्रह्मेति ज्ञान आदि इंद्रिय ग्राम संयम यमो अयमीति संप्रोक्तो अभ्यसनियो मुहुर्मुह यह सब ब्रह्म रूप है इस ज्ञान को हृदय में रखकर इंद्रियों का संयम यम कहलाता है इस संसार को ब्रह्म रूप समझना अगर ऐसा अभ्यास किया जाए तो इस ऐसा समझकर इंद्रियों का संयम करना यम कहलाता है इस यम का अभ्यास निरंतर और बारंबार करना चाहिए नियम क्या है सजातीय अर्थात समान धर्म साधकों के साथ संगति करना तथा विजातीय अर्थात सांसारिक प्रवृत्ति वालों के प्रति दूरभाव रखना यह सब नियम में आएंगे यह उत्कृष्ट आनंद का भाव उत्पन्न करेगा बुद्धिमान साधक निरंतर नियम साधना में तत्पर रहता है तीसरा अंग बताया गया है त्याग त्याग की व्याख्या की गई है अगर हम अष्टांग योग से तुलना करें तो अष्टांग योग में आठ अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पतंजलि के अष्टांग योग में ये आठ अंग बताए जाते हैं तो आठ अंगों की इस तरह से व्याख्या की जाती है लेकिन क्या ये उससे अलग है नहीं इसमें कुछ और चीजें जुड़ी हुई हमें प्राप्त होती हैं जैसे कि त्याग को भी एक अंग माना गया है त्यागो ही महताम पूज्य सद्धो मुक्ष प्रदायक महान लोक अर्थात श्रेष्ठ साधक भी त्याग की साधना करते हैं इसकी साधना से तत्काल मुक्ति की प्राप्ति होती है यस्मा द्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मौनम योगी भिर्गम्यम तद भजेत सर्वदा बुध मन सहित वाणी भी जिसे नहीं प्राप्त कर पाती वह ब्रह्म का स्वरूप है इस भावना को मौन कहते हैं मौन का अर्थ क्या है मन सहित वाणी भी जिसे नहीं प्राप्त कर पाती अर्थात हम अपने मन से अपनी वाणी से उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाते ऐसी भावना करना ही मौन का अभ्यास है योगी जन ही इस भावना में रह पाते हैं बुद्धिमान साधक को चाहिए कि इस मौन साधना के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो मौन का अर्थ यह नहीं कि चुपचाप बैठ गए किसी से बात ही ना करेंगे कई बार तो लोग आवश्यक बात भी ना करते ऐसा मौन धारण कर लेते लेकिन यहां पर मौन यह है कि हम इस बात को स्वीकार करना है कि मन और वाणी से उस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता लेकिन आज हमारे देश में ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा करती हैं वो कहती है कि हम तो ब्रह्म ज्ञानी यहां ब्रह्म ज्ञान मिलता और हम जितने भी यहां से जुड़ जाते हैं वो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं यहां तक कि वो एक टीम बना लेते हैं उसे ब्रह्मज्ञानियों की सेना नाम दे देते हैं तो यहां साफ लिखा जा रहा है मौन साधना का तात्पर्य है मन सहित वाणी से जिसे नहीं प्राप्त मन सहित वाणी भी जिसे नहीं प्राप्त करती वह ब्रह्म का स्वरूप है इस भावना को मौन कहते हैं खुद को ब्रह्म ज्ञानी घोषित करना या ज्ञानी बहुत बड़ा ज्ञानी घोषित करना यहाँ पर समस्या है वाचो निवर्तन्ते तदुक्तम केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्य तद विवर्जिवेन मौन सर्व सहज संग मौनम तु बालानाम युक्तम ब्रह्मवादिनाम जहां वाणी की पहुंच नहीं है उसका वर्णन कौन कर सकता है यदि उसके प्रपंच की चर्चा करना चाहे तो वह भी की, वह भी किसी सीमा से परे है उसका जो प्रपंच अर्थात पंच तत्वों से निर्मित यह संसार प्रपंच कहलाता है पंचीकरण के सिद्धांत से जो सृष्टि सामने आती है स्थूल सृष्टि स्थूल जगत जागृत अवस्था उसे प्रपंच कहते हैं ठीक तो जहां वाणी पहुंचे ही नहीं जहां वाणी की पहुंच नहीं है उसका वर्णन भला कौन करेगा ऐसा समझना यदि उसकी प्रपंच की चर्चा करना चाहे तो वो भी एक सीमा के बाद नहीं हो सकता उसके प्रपंच को समझाना भी पूरी तरह से संभव नहीं इस प्रकार का जो मनोभाव है वह भी मौन है इसे सहज मौन कहते हैं वाणी का मौन तो ना समझ लोग किया करते हैं वाणी का मौन ना समझ लोग किया करते हैं वाणी का मौन मतलब कि जो चुप रहते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ठीक हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आपका काम बहुत बोलने का है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप एक दिन मौन रखिए थोड़ा कम बोलिए इट्स ओके गुड लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मौन रहने से आपका आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है आपका बहुत बड़ा भ्रम है इसी भ्रम को यहां तेजोबिंदु उपनिषद में तोड़ा गया है कि वाणी का मौन तो ना समझ लोग करते हैं ब्रह्मवादियों के लिए यह उपयुक्त नहीं है गिराम मौनम तू बालान युक्तम बालानाम मतलब बालकों का काम है ये तो बचपना है कि आपने मौन व्रत रख लिया और आपने कहा कि मैं आज सारा दिन बोलूंगा ही नहीं सारा दिन ऐसे एक मौनी बाबा थे चुपचाप कुछ बोलते नहीं थे बैठे रहते थे लोग उनको दान दक्षिणा देते थे जो मिल जाता खा लेते थे कोई संत उनके पास पहुंचे उन्होंने कहा कि भाई जब तुमको ज्ञान है तो समाज को बांटो या मौनी बाबा बनके क्यों बैठे हो तो उस दिन उन्होंने अपना मौन व्रत ही तोड़ दिया तो ये जो वानी का मौन है ये तो बचकानी हरकत है इसलिए लिखा गया गिराम मौनम तू बालानाम युक्तम ये बालपन है तुम्हारा ये ना समझिए कि तुमने वाणी का मौन रखा है वास्तव में मौन क्या है तुम व्यर्थ मत बोलो कि तुम्हें ज्ञान है शास्त्रों का तुम व्यर्थ मत बोलो कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया ब्रह्म का ज्ञान हो गया केनो उपनिषद में इसीलिए लिखा गया साफ साफ कि जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो तुम समझ लो कि वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं है उसे ब्रह्म क्या तनिक भी ज्ञान नहीं है लेकिन जो ये कहता है कि मैं कुछ तो जानता हूं लेकिन सब कुछ नहीं जानता ब्रह्म के विषय में तो समझना कि शायद वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है तभी ऐसा कह रहा है लेकिन जो दावे कर रहा है वो निश्चय ही ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो वाणी का मौन ना समझ लोग किया करते हैं जो यह समझता है कि उस तक वाणी नहीं पहुंच सकती मन नहीं पहुंच सकता और उसका यह प्रपंच यह संसार भी उसकी व्याख्या भी बहुत हद तक नहीं हो सकती तो यह सब मौन का विषय है तो यम नियम त्याग और मौन ये चार अंग पंद्रह अंगों में ये पहले चार अंग हैं। जिस स्थान में आदि मध्य व अंत में कोई प्राणी भी विद्यमान नहीं जिससे यह सब विश्व, विश्व व्याप्त है उस देश को विजन कहते हैं ये नेदम सत्तम व्यात सदेशो विजन स्मृत अदावंते च मध्ये च जनो यस्म विद्धते यनेदम सतम व्याप्त स देशो विजन स्मृत जिस स्थान में आदि मध्य व अंत में कोई प्राणी भी विद्यमान नहीं जिससे एक ऐसा स्थान है जहां ना आदि है ना मध्य है ना अंत है ना भूत है ना भविष्य है उसे देश कहा जा रहा है एक ऐसा स्थान वो कहां पर है वो आत्मा में ही स्थित है उस स्थान को वही प्राप्त कर सकता है जिसे आत्मज्ञान है जो आत्म स्थित है अन्यथा अन्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते उसी को देश कहा जा रहा है देश काल मौन मौन देश और काल ये देश और काल भी अंग है पंद्रह अंगों में चार अंग है जो हो गए यम नियम त्याग मौन और पांचवा है देश छठा है काल तो देश वास्तव में देश कौन सा है स्थान कौन सा है जो कि काल के परे हो जहां ना आदि है जहां ना मध्य है जहां ना अंत है जहां वर्तमान है ना भूत है ना भविष्य है जहां पर ये तीनों ही नहीं है वही वास्तविक देश है जो इसके काल के परे है तो वह ब्रह्म काल के परे है वह आत्मा काल के परे है इस तरह से देश और काल यह भी योग के अंग बताए गए हैं कल्पना सर भूता नाम ब्रह्मादिनाम निमेश जिसके निमेश मात्र से सभी भूतों की सृष्टि हो जाती है वह अखंड आनंदमय और अद्वितीय है इस प्रकार से तेजोबिंदु उपनिषद में पंद्रह अंगों की छह अंगों की व्याख्या हमने आपके समक्ष की आगे आसन है देह साम्यता है देह संयम मूलबंध इन सभी अंगों का वर्णन मिलता है आसन मूलबंध देह संयम स्थिति विवेक प्राण संयम प्रत्याहार धारणा आत्मध्यान और समाधि इस प्रकार से आगे और नौ अंगों का वर्णन छह अंगों का वर्णन हमने सुना नौ अंगों का वर्णन आगे आपको प्राप्त होगा जुड़े रहे बने रहे और अगर प्रयोगात्मक योग से जुड़ना चाहते हैं आत्मा में स्थित होने का मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो वह ध्यान योग का मार्ग है और यह ध्यान योग का कोर्स चलता है ऑनलाइन चलता है ऑफलाइन भी चलता है कभी कभी ऑनलाइन हर महीने चलता है तो यह ऑनलाइन कोर्स ध्यान योग और जो ऑनलाइन कर लेते हैं उनके लिए ऑफलाइन सेशन भी बाद में रखा जाता है तो ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स 20 मार्च से इस महीने शुरू होगा 2024 20 मार्च तो आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन इस नंबर पे और लाभान्वित होंगे अपने आत्म स्वरूप को जानिए वह जीवन ही क्या कि जिस जीवन में आप स्वयं को ही ना जान पाए पचास तरह की चीजें जान गए बाहर की दुनिया को जान गए राजनीति जान गए व्यापार जान गए सब जान गए लेकिन रिश्तेदारी नातेदारी राजनीति व्यापार लेकिन स्वयं को ही ना जान पाए फिर क्या लाभ प्राकृतिक चिकित्सा इसका भी कोर्स आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है दर्शन का कोर्स आप इसे भी कर सकते हैं अवश्य करें कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिलोसफिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सही तरीके से पढ़ लेने से इसी प्रकार की काउंसलिंग एस्ट्रो के माध्यम से आप ले सकते हैं अग्नि में बुद्ध अद्भुत ग्रंथ इतिहास के धार्मिक इतिहास दार्शनिक इतिहास राजनीतिक इतिहास सब इसमें है एक ऐतिहासिक कथानक है आप इसका जरूर लाभ उठाइए इसको खरीद सकते हैं मात्र तीन सौ रुपए में मंगवा सकते हैं इन सभी कोर्सेस की अगर विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर इस नंबर पर आप इन सभी कोर्सेस की जानकारी आपको मिल जाएगी आप इस नंबर पर संपर्क करके नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन इस नंबर पर संपर्क करके आप सारे कोर्सेस की जानकारी ले सकते हैं तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे कल फिर मिलेंगे नाइन पीएम लाइव चर्चा में तेजोबिंदु उपनिषद के व्याख्यान के साथ कुछ कारणों से अभी वीडियो लाइव नहीं किया जा रहा है आने वाले समय में जल्द ही शुरू हो जाएगा फिर से चलिए इसी के साथ विराम देते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सत